आज हम बनाएंगे केले की सब्जी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे कच्चा केला 4 से 5। हम इसे छील लेंगे और इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। फिर हम इसे 2 टुकड़ों में काट लेंगे और बीच से चीरा लगाते हुए इसे 4 भाग में काट देंगे। आप इसे कैसे भी काट सकते हैं, इसे गोल शेप में भी काट सकते हैं। अब हम इसे पानी में 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि इसका कालापन निकल जाए। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। बनाने के लिए हमें मसाले चाहिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, पिसा हुआ प्याज 1 बड़े साइज़ का, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और सरसों का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। जब कढ़ाई हमारा गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे तेल 2 बड़े चम्मच। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम केला जो काट के रखा है उसको फ्राई करेंगे। बस इसे हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखिए केला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच लगभग तेल। उसमें डालेंगे सरसों 1 छोटा चम्मच लगभग, तेजपत्ता 2 पीस। जब ये चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज, आप कटा हुआ प्याज भी ले सकते हैं। प्याज जब हमारा थोड़ा भुन जाए तो उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सरसों का पेस्ट इसे भी डालकर हम अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें ही डाल देंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। फिर हम इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे केला जो कि फ्राई करके रखा हुआ था। इसे हम थोड़ा सा ध्यान से चलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि ग्रेवी इसके अंदर चला जाए। देखिए ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डाल करके इसे पकाएंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा करके 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। पाँच मिनट हो चुका है, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। ये देखिए सब्जी हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। सब्जी हमारा पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए सब्जी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।